आज भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अपने हथकंडे घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र में कामयाब हुई है। कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था, ईडी सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे, ईडी के दफ्तर में पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा था, इनकम टैक्स के छापे उनके घर पे मारे जा रहे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है नरेंद्र मोदी जी की कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं, मोदी वॉशिंग पाउडर से उनको धुल दिया जाता है। तो बीजेपी एक बार फिर से अपने षड्यंत्र और अपने घिनौनी राजनीति में सफल हुई है। मैं समझता हूं कि कैलाश गहलोत के ऊपर बहुत दबाव था ईडी, इनकम टैक्स और तमाम तरीके का, और उसके कारण से ये फैसला उनके द्वारा लिया गया है। लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, यमुना सफाई के लिए की बात की है, शीर्ष में अब वो ऐसी बातें कर नहीं सकते क्योंकि वो 5 साल तक सरकार का हिस्सा रहे हैं। जिस पार्टी में आप रहे हैं, जिस सरकार में आप रहे हैं, अब मैं कहता रहा ये सारी की सारी बीजेपी की स्क्रिप्ट है। भारतीय जनता पार्टी अब जो स्क्रिप्ट बना के देगी और जिस तरह का षड्यंत्र उन्होंने कैलाश गहलोत जी के खिलाफ किया है तो उसी तरह से उनको बोलना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अपने हथकंडे घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र में कामयाब हुई है। कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था, ईडी सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे, ईडी के दफ्तर में पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा था, इनकम टैक्स के छापे उनके घर पे मारे जा रहे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है नरेंद्र मोदी जी की कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं, मोदी वॉशिंग पाउडर से उनको धुल दिया जाता है। तो बीजेपी एक बार फिर से अपने षड्यंत्र और अपने घिनौनी राजनीति में सफल हुई है। मैं समझता हूं कि कैलाश गहलोत के ऊपर बहुत दबाव था ईडी, इनकम टैक्स और तमाम तरीके का, और उसके कारण से ये फैसला उनके द्वारा लिया गया है। लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, यमुना सफाई के लिए की बात की है, शीर्ष में अब वो ऐसी बातें कर नहीं सकते क्योंकि वो 5 साल तक सरकार का हिस्सा रहे हैं। जिस पार्टी में आप रहे हैं, जिस सरकार में आप रहे हैं, अब मैं कहता रहा ये सारी की सारी बीजेपी की स्क्रिप्ट है। भारतीय जनता पार्टी अब जो स्क्रिप्ट बना के देगी और जिस तरह का षड्यंत्र उन्होंने कैलाश गहलोत जी के खिलाफ किया है तो उसी तरह से उनको बोलना पड़ेगा।